योगी आदित्यनाथ पुलिस स्मृति दिवस पर क्या कुछ अहम कह रहे हैं सुनवाते हैं। देश के अंदर 21 अक्टूबर 1959 से जब भारत चीन सीमा पर कार्यरत केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों पर अचानक दुश्मन देश ने हमला किया था, उस समय से जो जवान हमारे शहीद हुए थे पूरे देश के अंदर केंद्रीय पुलिस बल हो या राज्य सरकारों की सिविल पुलिस, प्रतिवर्ष यह स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को आयोजित होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने, सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति बनाए रखने और 25 करोड़ लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के साथ ही प्रदेश को दंगा मुक्त करने में भी अपना सराहनीय योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में के प्रयासों से आज प्रदेश में संगठित अपराध पूरी तरह नियंत्रित हुआ है, प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। इस दौरान शासन ने भी पुलिस बल के भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उनके आधुनिकीकरण और प्रदेश के ट्रेनिंग की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। पुलिस कार्मिकों के तमाम प्रकार की सुविधाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। विगत 5.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर विभिन्न पदों पर 1,60,000 से अधिक पुलिस के अलग अलग पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशिक्षण की क्षमता को प्रदेश के अंदर दोगुने से अधिक किया गया। पुलिस के आधुनिकीकरण के दिशा में भी अनेक कदम उठाए गए और पुलिस बल के अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी प्रदेश के अंदर अनेक कदम उठाए गए। हर पुलिस लाइन में पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक के निर्माण की कार्रवाई हो, नए थानों के गठन का हो, पुलिस के अंतर्गत प्रदेश के अंदर SDRF SSF के गठन की कार्रवाई हो, महिला कार्मिकों के पुलिस भर्ती के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था हो या प्रदेश के अंदर 3 महिला PSC की बटालियन के गठन की प्रक्रिया, ये सभी कार्य विगत 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए पुनर्गठन और उनके आधुनिकीकरण के क्रम में भी किया गया। हम लोगों ने अनेक कदम उठाए हैं शासन स्तर पर भी, आज उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। आज भी हम लोगों ने जो बहुत दिनों से मांग थी, पुलिस कार्मिकों को 200 रुपये साइकिल भत्ता मिलता था, अब हम इसे 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता के रूप में पुलिस के जवानों को उपलब्ध कराएंगे। ई पेंशन की स्कीम लागू करने के साथ ही अन्य कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की भी आज घोषणा की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश का ये सबसे बड़ा सिविल पुलिस का बल देश के सबसे बड़े राज्य में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखते हुए प्रदेश में कानून का राज को बनाए रखने में जो भूमिका उन्होंने अब तक निभाई है, इसको और मजबूती के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करेंगे। मैं सभी उन पुलिस जवानों को जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने आप को बलिदान किया है, प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बड़े बड़े माफिया आपको ईमानदार और बहादुर कह रहे हैं, कुछ उस पर बोल दीजिए।
देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्मृति दिवस पर महत्वपूर्ण बातें की, जहां एक तरफ उन्होंने जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके बलिदान का जिक्र किया, उन पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो है और सशक्त होती जा रही है, इन तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। साथ ही साथ शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को भी सम्मानित किया। तो देखिए आज खास स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पुलिस लाइन में ये अहम कार्यक्रम रहा और इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कहीं कि उनकी सरकार जो है किस तरीके से प्रतिबद्ध है, पुलिसकर्मियों की जो निष्ठा है, जो उनकी सेवा है उसको योगी सरकार किस तरीके से सराहा रही है और उनके परिजनों के लिए क्या कुछ अहम सरकार लाने वाली है या क्या प्लान किया जा रहा है, इन तमाम बातों का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आए हैं। तो एक तरफ स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है शहीद पुलिसकर्मियों को, तो वहीं जो शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन हैं उनको सम्मानित भी किया गया है। पुलिस लाइन में ये पूरा कार्यक्रम रहा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान, उनके त्याग को याद किया और किस तरीके से कानून व्यवस्था प्रदेश स्तर पर मजबूत हो रही है, सशक्त हो रही है और आगे जो तमाम बड़े मुकाम है वो हासिल करने के लिए तैयार हो रही है, उन छोटी छोटी उपलब्धियों का भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आए जो कि आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होंगी। और इसी के लिए ये पूरा कार्यक्रम देखिए आज शहीद पुलिसकर्मियों को समर्पित रहा। स्मृति दिवस के मौके पर सभी को याद किया गया, उनके त्याग को याद किया गया और उनके राष्ट्र प्रेम और प्रदेश प्रेम, उनके अपने जो उनका काम है उससे किस तरीके से वो प्रेम करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ उस काम को करते हैं, इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आए हैं। देखिए शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज स्मृति दिवस के मौके पर। पुलिस लाइन में ये पूरा कार्यक्रम रहा। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर हो रही है, आज प्रदेश में संगठित अपराध पूरी तरीके से नियंत्रित है, उत्तर प्रदेश विकास की ओर तेजी से अग्रसर है, ये तमाम वो महत्वपूर्ण बिंदु। तो वहीं पुलिस की प्रशिक्षण क्षमता को दोगुना किया गया है और किस तरीके से आधुनिकीकरण किया जा रहा है, शासन स्तर पर उठाए गए कदमों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं, कानून के राज बनाने में पुलिस की बड़ी भूमिका रही है और इसी भूमिका के साथ आगे भी कार्य होता रहेगा, इन तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आए हैं।